बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राती। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीख करिते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दा यक बिश्रामा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे भरत जी के उपदेश जो उन्होंने राजा रघुगण को सुनाया, और जब उन्होंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, आप शरीर का अपमान कर रहे, शरीर को मोटा या पतला कह रहे, शरीर को कमजोर कह रहे हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें जड़ भरत बोलते हैं राजा से, और कहते हैं यह संसार जो असत्य है, अगर सत्य कोई हो तो सत्यनारायण श्री भगवान ही सत्य है। बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें कहा, और उनकी बात सुनते ही जो राजा रघुगण था वो तो एकदम सावधान हो गया। उससे, अरे अरे अरे, ये तो पागल नहीं है, ये तो कोई परम हंस है, यह तो कोई महान संत है, ये तो महान कोई महान विभूति है, ये अवधूत है पूरे वेदांत के कठिन से कठिन, वेदांत के जो कठिन से कठिन प्रश्न है उसका ये तो बहुत ही सहज बहुत बहुत ही सरल रूप से समझा रहे हैं। और ईश्वर के प्रति इनकी इतनी बड़ी निष्ठा है, मैंने उनका अपमान कर दिया, इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सोच करके राजा रघुगण पालकी से कूद पड़े। अभी तक सोच, अभी तक जो मारने के लिए तैयार थे, जो जो अपशब्द बोल रहे थे राजा को, अब कूद पड़े पालकी से और आकर के जड़ भरत का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ भरत जी तो निर्विकारी संत हैं, उनका तो संत स्वभाव है, संत कैसा होता है? शास्त्र ऐसा कहते हैं, लोग संत भी ऐसा कहते हैं, संत क्रोधित होता है, लेकिन संत का क्रोध जो है पानी पर लकीर जैसा होता है। जैसे पानी पर आप एक एक लाइन बनाइए, एक लकीर बनाइए पानी पर, और जैसे आप बनाते जाएंगे वो निशान वो लकीर वो पानी पर मिटती जाएगी। लेकिन आप पत्थर पर एक लकीर बनाएंगे ना, तो जब सब दिन रहेगा पत्थर पर, मिटता नहीं। तो साधु का जो क्रोध होता है ना, वो ऐसे पानी पर निशान जैसा होता है, आप एक तरफ से बनाते जाइए और वो मिटता जाएगा। तो साधु का क्रोध होता है, बस खत्म हो जाता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो क्या कहता है, वो उसका क्रोध पत्थर की लकीर जैसा होता है, एकदम मिटता नहीं कभी,
हर समय क्रोधित होता है। और क्या कहते हैं लोग जरा सुनिए, मैं उनको कभी नहीं माफ करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं माफ करूंगा। यह दुष्ट का स्वभाव है। और साधु का स्वभाव है, क्रोध हो गया, कुछ कह दिया, फिर उसके बाद खत्म, बात खत्म हो गई। मैं जीते जी मैं उनसे नहीं बोलूंगा, जीते जी मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, यह दुष्ट का स्वभाव है। तो जड़ भरत जो एकदम अवधूत अवस्था में है, उनके लिए क्रोध, उनके लिए मान इसकी इसकी कोई महत्ता नहीं है। तो राजा अब पालकी से कूद गया और जड़ भरत का पैर पकड़ लिया, कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। संत न तो क्रोध करते हैं, न दुख मनाते हैं, न सुनते हैं। संत की परीक्षा उनके मनोवृत्ति से होती है। संत कैसे होते हैं? संत सहहि दुख परहित लागी। संत दुख उठाते हैं, बहुत दुख उठाते हैं संत जीवन में, लेकिन लोग सुखी रहें इसलिए संत दुख उठाते हैं। और दुष्ट क्या करते हैं? दुष्ट भी दुख उठाते हैं संसार में, दूसरों को दुख देने के लिए दुख उठाते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा नाश हो जाए लेकिन मैं उनका नाश करके ही रहूंगा, ये दुष्ट का स्वभाव है, इस संत का स्वभाव नहीं है। संत क्या कहता है? चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं लेकिन तुमको मैं सुखी रखूंगा, संसार को सुखी रखूंगा। तो संत के लिए न क्रोध, न दुख, न सुख, कोई चिंता नहीं। संत कोई वेश से संत होना बड़ा, चंदन लगा लिया, पगड़ी बांध ली और ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन लिया, ये तो बहुत भेष बना करके, संत का भेष बना करके और संत की तरह पूजा कराना बहुत सहज है, बहुत सहज है, लेकिन हृदय से संत होना ये बहुत मुश्किल है भैया, ये सबके बस की बात नहीं है। भेषधारी संत नहीं, हृदयधारी संत, जिनके हृदय में भगवान का निवास हो। तो रहुगढ़ पैर पकड़ लिए और लगे क्षमा मांगने, कहा मैंने आपका अपमान कर दिया, मेरा तो कल्याण नहीं होगा, मुझे क्षमा करिए। लेकिन मेरे मन में सवाल है, प्रश्न है, प्रश्न यह है कि यह संसार व्यवहार, सांसारिक जो व्यवहार है तो सत्य है, हम इसे झूठा क्यों कहें, कैसे कहें? अगर असत्य होता, झूठ होता, तो इसमें क्रिया क्यों होती संसार में? तो रहुगण बड़ा सवाल करते, कहते हैं देखो देखो महाराज, मुझे इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं लगता। रहुगण महाराज पालकी से कूद करके और जड़ भरत का पैर पकड़ के कहते हैं, मुझे इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं, शंकर भगवान के त्रिशूल से भी मुझे कोई डर नहीं, यमराज मुझे नरक में भेजेंगे इसका भी मुझे कोई डर नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर इन सबके हथियार अस्त्र शस्त्र जो हैं, इनसे मैं नहीं डरता हूं, कभी नहीं डरता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं,
मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं कि कहीं ब्राह्मण कुल का अपमान हो जाए, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। तो मैं बहुत डरता हूं ब्राह्मणों के कुल के अपमान से। मैं किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता, अब मुझसे आपका अपराध बन गया, मैंने अपराध कर दिया। कृपया आप बताइए आप कौन हैं? विज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान और इतनी बड़ी शक्ति छिपा करके आप पागलों की भात इस रास्ते पर घूमते हैं, आप हैं कौन? विषय वासना आपके मन में है नहीं, एकदम अनासक्त है, और आप इतने गंभीर हैं कि आपकी था भी मुझे पता नहीं चल रही कि आप कितने गंभीर है, कितना दीप ज्ञान है आपका। मैं तो भगवान के बारे में कपिल मुनि से पूछने जा रहा था, और यह पूछने जा रहा था कि मैं किस किस शरण लूं। कहीं आप वही कपिल मुनि ही तो नहीं किसी रूप में आ गए? मैं विषय वासना में फंसा हुआ, माया में फंसा हुआ, संसार में फंसा हुआ आपकी गति नहीं समझ सकता। राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करिए। राजा ने कहा, आपने कहा कि शरीर में जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूं कि शरीर को जो कष्ट होता है वह आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण है कि शरीर इंद्रियों से बद्ध है, और इंद्रियों का संबंध मन से है, और मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो इसलिए जो शरीर को दुख होता है वह आत्मा को भी तो दुख होता है। अरे महाराज, चूल्हे में आग जला दीजिए, उसके ऊपर बर्तन रख दीजिए, उसमें पानी रखिए या दूध रखिए, उसमें चावल रखिए, तो बर्तन भी गर्म होगा, दूध भी गर्म होगा, और चावल भी गर्म होगा। तो इसलिए जो शरीर को दुख होता है वह आत्मा को भी दुख लगता है महाराज। और आप तो कह रहे हैं कि आत्मा को कोई दुख नहीं लगता। भरत जी हंस पड़े, कहा, यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन तो गर्म हो जाएगा, चावल पक जाएगा, दूध उबल जाएगा, लेकिन उसी में अगर कोई पत्थर डाल दे दूध में तो पत्थर पकेगा? कहा नहीं। कहा पत्थर नहीं पकेगा, तो पत्थर की तरह आत्मा निर्लेप है, इसको गर्मी ठंडी या कच्चा पक्का नहीं होता है, रहता है, बस आत्मा है, बस है। और यह जो संसार है, यह संसार मन की कल्पना है, मन की कल्पना है। अगर मन बिगड़ गया राजन रहुगण, तो जीवन बिगड़ जाएगा। अगर मन सुधर गया, भगवान में लग गया, तो यह जीवन सुधर जाएगा। तो सुधारने की बात है कि मन को संभालो, मन को सुधारो। और
लेकिन एक बड़ी बात है, तुम अज्ञानी होने पर भी बड़ा पंडितों की तरह बात कर रहे हो, ऊपर ऊपर बड़ा तर्क का बड़ा अच्छा लगता है। लोग आते हैं ना भगवान के बारे में, व्रतों के बारे में, जो रितल है उसके बारे में बड़ा मजाक उड़ाते हैं, और सुनने में उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। अरे जल चढ़ाने से सूरज भगवान को जल मिल जाएगा, लोग कहते ना, और जो अपने संत है तो अपने संतों के बारे में सभी एक कहानी बताते हैं कि एक पंडित जी नदी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। और उसके बगल में एक और खड़े थे, उन्होंने बाल्टी लिया, बाल्टी उठा उठा के गंगा में पानी, नदी में पानी डालने लगे। तो पंडित जी जब खाली पूछे, कहे आप बाल्टी लेकर के और पानी उठा के नदी में डाल रहे थे, ये क्या कर रहे थे? तो उसने पूछा कि पंडित जी आप भी तो जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे जहां से, वो आप क्या कर रहे थे? पंडित जी ने कहा मैं सूर्य को जल दे रहा था। तो कहे जैसे आप सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, वैसे मैं यहीं से अपने खेत को पानी दे रहा था। तो कहे ये तो नहीं मिलेगा। कहा जब ये मेरा पानी मेरे खेत में नहीं पहुंचेगा तो आपका दिया हुआ जल सूरज तक पहुंचेगा? तो ये बातें तर्क से बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन विचार से अच्छी नहीं लगती, विज्ञान से अच्छी नहीं लगती। इस पर कभी चर्चा करें, बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ बड़ा ज्ञान की बात कहा, यहां से जल देने से क्या सूर्य भगवान तक पहुंचेगा? तो अगर सूर्य भगवान तक जल पहुंचता है तो 10 किलोमीटर दूर से बाल्टी से पानी देते हैं, खेत में पानी पहुंच जाएगा। तर्क बहुत अच्छा, और बढ़िया तर्क करते हैं। एक आए तो मुझसे कहे आप तो मूर्ति की पूजा करते हैं, आप इतने बड़े विद्वान हो करके ये मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हम कहा कि बात है कि पहली बात तो मैं विद्वान नहीं हूं, ये कहना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अब आपके शब्द में मैं कहता हूं, मूर्ख है जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, विद्वान वही है जो मूर्ति की पूजा करते। तो बड़ा चिढ़ गए मुझसे। चिढ़ने के बाद कहे कैसे है? हम कहा ऐसे है, आपका भगवान कहाँ रहता है? कहे कि भगवान कण कण में रहता है। हम कहा कण कण में रहता है तो पत्थर में भी है? कहे हाँ। तो कहा बस हम इसलिए पूजा करते, बस खत्म, अब बहस की बात नहीं। तो ज्ञानी बनकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सारी मूर्खतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है। क्यों? बात वही अच्छी है, विद्वान की बात मानी जाए जो शास्त्र सम्मत हो। अब कोई आए और मुझसे कहे, अच्छा ये जो बहस करते हैं उनसे एक बात पूछता हूं मैं, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर शायद 10 ग्राम के बराबर एक टिकिया देता है, एक दवाई देता है और कहता है जाओ इससे ठीक हो जाओ। अगर मैं उससे बहस करूं कि मेरा वजन तो 100 किलो है और इसका तो 10 ग्राम भी नहीं, ये कैसे ठीक करेगी? तो क्या कहेंगे? हमें लोग मूर्ख ही समझेंगे ना। अब उससे मैं कहूं, अब डॉक्टर कहेगा कि ये पुस्तक में लिखा है, मैं कहूंगा मैं पुस्तक नहीं मानता, कहा ये खोज करके लिखा है, कहा मैं उसे भी नहीं मानता, मैंने तो नहीं देखा किसने खोज किया। लेकिन डॉक्टर इसलिए कह रहा है, डॉक्टर वही पढ़ा है, इसलिए वो जानता है कि 1-10 ग्राम से कम की टिकिया दवा बीमारी ठीक कर देती है।
ऐसे ही संत और साधु जानते हैं कि लिखा है वही सत्य है और उसी से जो बीमारी है समाप्त तो होगी। इसलिए शास्त्र को ही बात माननी चाहिए। जो ये बकवास बड़ा ज्ञान की बात करने लगते हैं ना कि ग्रह पूजा से ग्रह थोड़ी शांत होते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको विज्ञान पता ही नहीं। अगर उनसे पूछे कि आप कभी खोजा इसको कि पूजा से ग्रह शांति नहीं होती, तो कहेंगे नहीं। तो जब खोजे नहीं तो बहस क्यों करते हो? तमाम ऐसे तो ऐसे एकदम भरत जी वही बात कहते हैं, राजन तुम अज्ञानी हो और अज्ञानी होने पर पंडितों जैसी बात कर रहे हो, तर्क वितर्क की बात कह रहे हो। इससे इसका मतलब नहीं कि तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तुम केवल बस बकबक की बात कर रहे हो। कहा जो वैदिक और लौकिक जो व्यवहार में हम करते हैं, या वेद की लौकिक व्यवहार क्या है, ये संसार की बातें, और वैदिक व्यवहार क्या है, वैदिक व्यवहार है कि चलो यज्ञ करो और स्वर्ग मिलेगा। ये बातें सही है, ठीक है, स्वर्ग में कितने दिन सुख मिलेगा, स्वर्ग बस उतने सुख मिलेगा जितने दिन तक हम पुण्य किए, उसके बाद फिर नीचे फेंक दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है घुमा फिरा के को जन्म ही देगी। इसलिए ये जो यज्ञ इत्यादि है यह स्वर्ग की प्राप्ति देता है, मुक्ति नहीं देता। मुक्ति तो बस तत्व ज्ञान, अगर हमें एक ज्ञान हो जाए कि हम कौन है, तो हमें जो है यह पूरा मुक्ति मिल जाएगी और पूरा सुख मिलेगा। राजन भरत जी कहते हैं, कहा मेरा भी मन, जरूरत क्या है, इस मन को सुधारने की जरूरत है। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, तो सुख के पीछे भाग करके कभी हम नौकरी करके साधन जुटा रहे, कभी हम चोरी करके साधन जुटा रहे, और कभी कभी हम सोचते चलो यज्ञ पूजा करके साधन जुटा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यज्ञ पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इस मन को सुधारने की जरूरत है। जब तक मन को नहीं सुधारेंगे कभी सुख नहीं मिलेगा। और मन को सुधारने का उपाय है, ऐसा नहीं कि मन को सुधारने का उपाय नहीं है, और शास्त्र में बहुत बढ़िया उपाय है। अब लोग आते कहते हैं मैं तो इतना योगा करता हूं, इतना मेडिटेशन सेंटर जाता हूं, इतना मैं योग सिखाता हूं। योग सिखा रहे केवल शरीर के बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन जो मन की बीमारियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसको खत्म करने का कोई साधन कोई नहीं सिखा पा रहा है। और सुख पाने के लिए बहुत पैसे हम खर्च कर रहे हैं, बहुत कर रहे। कभी ये योगा कर लो, कभी मेडिटेशन कर लो, कभी योगा वीकेंड चले जाओ, सारा कुछ कर, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीमारी बस छह है, बीमारी छह है, और हम 600 तरह का योगा करने जा रहे, ठीक नहीं हो रहा। क्यों? पहले बीमारी को हम नहीं समझ रहे। हमारी बीमारी क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसकी व्याख्या कभी करेंगे, लेकिन गिन लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा,
देखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये छह हमको कहां ले जाते हैं? नरक ले जाते हैं। एक तो नरक में ले जाएंगे और जीवन भी नरक बना देते हैं। जीते जी काम क्रोध लोभ मद मत्सर से यह जीवन नरक बन जाता है और मरने के बाद नरक जाना भी पड़ता है। तो कुछ भी उपाय कर लो संसार में, जब तक इन छह रोग बीमारियों को नहीं समाप्त करोगे, जब तक ये छह दुश्मनों को नहीं समाप्त करोगे, तब तक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तब तक भागते रहोगे। तो अब क्या करना है? अब कहे, अब आप आपके मन में सवाल होता है, खत्म कैसे होंगे छह दुश्मन? बहुत ही सहज उपाय है, लेकिन आज हम कथा सुना रहे हैं आपको, इसका उपाय हम बताएंगे। और जब आपके अंदर इच्छा होगी ना, तो आप मुझसे मिलेंगे। जब भगवान चाहेंगे तो आपसे हमारा आपका मिलन होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि छह दुश्मन कैसे समाप्त हो गए। छह दुश्मन नहीं समाप्त हो गए जंगल में भाग जाने से, बाबा जी बन जाने से, साधु बन जाने से। कभी बाबा जी लोगों का देखे कितने क्रोधी होते हैं, कभी जाके देखिए। मैं तो साक्षात हॉलैंड में देखा, बाबा जी आए, पैसा नहीं छूते है बाबा जी, शाम हो गई, जैसे शाम हुई तो कह जरा देखो कितनी दक्षिणा मिली। हम कहा देखिए महाराज जी, पैसा छूते नहीं लेकिन चिंता तो है। तो मैंने गिन के बताया आज इतनी दक्षिणा मिली। महाराज जी कहे बड़े कंजूस हैं सब, दक्षिणा नहीं देते। यही है, शरीर से पैसा नहीं छू रहे लेकिन मन से तो छू रहे, मन से छू रहे। अब महाराज जी रहे नहीं, उनका उनका शरीर छूट गया। मैंने एक दिन उनसे मजाक में कहा भी कि महाराज पैसा आप नहीं छूते हैं लेकिन शाम को मुझसे गिनवाते हैं, मन में तो चलता रहता है पैसा पैसा। न कहे चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बात ही खत्म हो गई भैया, चलो अब चुप रहो। तो मन को सुधारने की जरूरत है। आप पैसा हाथ से नहीं छू रहे लेकिन मन से तो छू रहे ना। मन कितना मिला कितना नहीं मिला, सिर खजुला रहे कितना मिला कितना नहीं मिला। तो इस मन को सुधारने की जरूरत है। घर में देखते हैं माँ बच्चे को गोद में लिए रहती है और खुश रहती है और थकती भी नहीं। और जितना वजन बच्चे का है, अगर उतना वजन उसको सामान दे दीजिए उठाने को, तो कहेगी मैं नहीं उठा पाऊंगी, बहुत वजन है। क्यों? क्योंकि उसका मन बच्चे के प्रति समर्पित है, तो बच्चा हल्का लगता है। और उसी का मन सामान के प्रति समर्पित नहीं है तो वजन लगता है। बच्चा फूल जैसा लगता है और फूल जो है पहाड़ जैसा लगने लगता है। यह सब मन का खेल है, यह सब मन का खेल है राजा, यह सब मन के धर्म है, यह सब मन का खेल है। और मन के खेल के ही नाते राजन, मैं तो बहुत बड़ा राजा था पूरे देश का, तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो। मैं बड़ा राज्य छोड़ करके सबको त्याग दिया
लेकिन मेरा मन एक मृगा में फंस गया और उस मृगा में फंसने के नाते मुझे पुनः मृगा बनना पड़ा। सोचो मन का कितना बड़ा असर है। मन को जिस चीज में फंसाओगे वही बन जाओगे। मन को अगर निंदा में फंसाओगे ना तो निंदा में फंस जाओगे। मन को अगर भगवान में फंसाओगे ना तो भगवान बन जाओगे। मन को संसार में फंसाओगे ना तो संसार बन जाओगे। तो इस मन को सुधारना है। और मन को सुधारने से ही जगत सुधरता है। राजन और यही मन जब भगवान में लग जाता है ना तो मोक्ष प्रदान कर देता है। मोक्ष देता है। मन क्या करता है? मन इंद्रियां भागती है, मन का पीछा करती है और फिर इसी संसार में फंस करके फिर हम जन्म लेते हैं। क्या करते हैं? मन से ही विषयों का चिंतन करते हैं ना, संसार का, संसार के भोग पदार्थों का। मन से सोचते हैं चलो आज रसमलाई खाए तो जीभ उधर भाग गई। मन से सोचते हैं चलो आज भोग करते हैं तो मन उधर भाग गया, शरीर उधर भाग गया। मन से सोचते हैं चलो आज गीत सुनो तो कान उधर भाग जाता है। मन सोचता है चलो कोई दूसरा देश देखो तो आंख लेकर के दूसरे देश उड़ जाती है हमको आपको। और ये सारे दुख के ही कारण होते हैं। तो इस मन को सुधारने की जरूरत है। तो मन से विषयों का चिंतन होता है महाराज और फिर मन उसी में फंस जाता है और उस बंधन को आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर हम आप आरोपित कर लेते हैं कि चलो मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं, मन की इच्छा है। यह सब मन की दुष्टता के नाते होता है। अतः मन को कहां लगाना है? मन को भगवान में लगाना। अगर हम आप अपने मन को बस में कर लेना हमें यमराज दंड नहीं दे सकेंगे। मन को बस में करिए। एक काम करिए, एक साधना में बताता हूं, जिस दिन मुंह से किसी को गाली निकल जाए ना उस दिन भोजन न करिए। एक व्रत कर लीजिए, गाली तो दे देंगे लेकिन जिस दिन गाली देंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। जिस दिन झूठ बोलेंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। जिस दिन कुछ पाप हो जाएगा उस दिन 5 बार गायत्री मंत्र, 5 माला गायत्री मंत्र जपेंगे। आप देखिए आपके ये जो छह दुश्मन है ना, धीरे धीरे भाग जाएंगे, आपके पास आएंगे नहीं। भरत जी ने कहा राजा तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? मेरा नाम आचार्य शंकर है। आचार्य इसलिए कि कॉलेज की डिग्री है, शंकर इसलिए कि माता पिता ने यह नाम दिया है। अगर कॉलेज डिग्री न देता और माता पिता मेरा नाम शंकर न रखते तो मैं कुछ न होता। उसके पहले भी कुछ नहीं था, मर जाने के बाद कुछ नहीं रहूंगा, तो मैं असली कौन हूं? भरत जी ने कहा कि राजा तुम सोचो कि तुम कौन हो। तुम्हारा ये जो रहुगण नाम है तुम्हारे माता पिता ने दिया है, उससे पहले तुम कौन थे?
अगर तुम्हारे माता पिता दूसरा नाम देते, देवगढ़ नाम देते, तुम्हारा देवगढ़ नाम हो जाता है। तुम्हारे पिता माता पिता का राक्षस गण कह देते, तुम राक्षस गण कहे जाते। तो न तो तुम राहुगढ़ हो, न देवगढ़ हो, न राक्षस गण हो, तुम कुछ और हो। इसको खोजो, वास्तव में तुम शुद्ध आत्मा हो एकदम, जो जागने में भी जगा रहता है, सोए में भी जगा रहता है, सुसुप्ति में भी जगा रहता है, जो साक्षी रहता है सदैव, वह आत्मा है वो तुम। राजा, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसे कहते हैं जो ये मानता है, क्या मानता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ज्ञानी उसे कहा जाता है जो ये माने कि यह संसार स्वप्नवत है, यह हम सपना देख रहे हैं, सही नहीं है, असत्य है, और भगवान ही सत्य है। जो ऐसा माने वही ज्ञानी है। जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाए कि यह संसार सत्य नहीं है, यह कल्पित है और भगवान ही सत्य है। जिस तरह जगने पर जैसे कोई सोया हुआ हो और सपना देखे कि उसको शेर ने काट लिया, तो चिल्लाएगा, दौड़ेगा, चिल्ला करके दौड़ करके जग जाएगा, और जब जग जाएगा तो क्या होगा, ये तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही संसार है, स्वप्न चल रहा है, हम दौड़ रहे, दौड़ रहे, डर रहे, एक जगह डर रहे, यहां लड़ाई कर रहे, एक जगह प्यार कर रहे, एक जगह जो है दुलार कर रहे, लेकिन जब जगते हैं, ओ तो सपना था, सब झूठा था। ऐसे ही यह संसार है, यह संसार है। संसार असत्य है, यह समझ कब आती है लोगों को, मनुष्य कब समझता है, तब समझता है जब वो जाग जाता है। और जागेगा कैसे, जब विषयों से मन हटेगा। जब तक विषयों से मन नहीं हटेगा, तब तक मनुष्य जगा हुआ नहीं माना जाएगा। जानी तब ही जीव जग जागा, जब हम जग जाएंगे तभी हम जान पाएंगे हम कौन हैं। और वो भी कब, जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाएगा, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। राजन, इसलिए जो मैं कहता हूं यह सब मन का खेल है, तो मन को शुद्ध करो। और मन को शुद्ध करने का जो सबसे बड़ा उपाय है, शुद्ध कथा सुनो। शुद्ध कथा मतलब भगवान की कथा सुनो, और कथा संतों से सुनो। संत मतलब, संत मतलब जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो, जो साधना करता हो, जप करता हो, तप करता हो, वो है संत। संत जो है वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी सब फूल से बैठ करके रस को निकाल करके इकट्ठा करती है, तो उससे मधु बनता, होनिंग बनती है, शहद बनता है। और उस शहद को जो खाता है, तो शहद तो अमृत स्वरूप माना गया। तो इसे संत होते हैं, सभी शास्त्रों में जाकर के उसमें जो अमृत है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके हमको आपको पिला देते हैं, और हमारा जीवन जो है शुद्ध और अमृतमय बन जाता है।
अब किसी अनपढ़ गंवार को भेजो कि जाओ फूल से मधु निकाल के लाओ, तो क्या करेगा? वो फूल को लेगा और फूल को तोड़ेगा और मसल देगा, और मसल देगा तो क्या होगा? फूल भी नष्ट हो जाएगा, मधु भी नहीं निकलेगी। तो ऐसे अनपढ़ गंवार से कथा भी नहीं सुननी चाहिए, जीवन नष्ट हो जाता है, एकदम जीवन नष्ट हो जाएगा। कथा मधु के समान, जिनका मन भगवान की चरणों में लगा है, पहली बात। जो शास्त्र को अध्ययन करते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, जो साधना जप और तप करते हैं उनसे कथा सुननी चाहिए, तभी जीवन अमृतमय बनेगा। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, जब जग जाएंगे तब समझ पाएंगे। और जगने के लिए ये जो संसार की वासनाएं, इनको त्याग देना होगा। और जब ये समझ जाएंगे, ये विषय वासनाएं विष के समान है और जीवन नष्ट कर देंगी, और वो भी तब जग पाएंगे जब संतों का साथ करेंगे, और संतों का साथ करेंगे और संतों की सेवा करेंगे तो ही जग पाएंगे। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी।